Hello, students, and welcome back to bankexamstudio.com. My name is Ramandeep Singh. So, students, in the series of providing important sessions for PNBSO Credit Officer 2023 exam, today we are going to do a quiz session on documentation. Very, very important session, students. Uh, Indian Registration Act, Stamp Duty Act, Limitation Act. every year you are going to find like three four questions at least three से तीन से चार questions आपको मिलेंगे हो सकता है इससे ज़्यादा मिलें very easy topic very easy actually same questions repeat होते हैं documentation related to banking वैसे लिखा नहीं है लेकिन let me tell you related to banking जितना भी banking से related documentation का topic है that is covered इन दिलेबस ठीक है सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टेन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं टेन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं uh, इसमें वील बी डूइंग अ टेबल ऑफ लिमिटेशन एक्ट टेबल करेंगे वो जो शायद क्वेश्चन नंबर एट नाइन की एक्सप्लेनेशन में आएगा सो प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट टेबल एंड रिमेंबर दैट उसको याद रखें वो रिपीट हो होना ही होना है उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है प्लीज़ रिमेंबर दैट So my name is Ramandeep Singh and I have been teaching on bank exams today from last 13 years and this is my WhatsApp number and we have started the PNB SO credit officer 2023 course in which we are providing video classes notes quizzes test series and power capsules link to join the course is available in the description which section of Indian Registration Act 1908 prescribes a penalty for falsely personating another and presenting any document for registration so please चेकिट कौन सा सेक्शन है विच गिव्स पेनल्टी अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विच गिव्स पेनल्टी फॉर फॉल्सली पर्सनेटिंग अनदर मतलब आपको अपने आप कोई दूसरा बता दिया योर नेम इज़ राम एंड वाइल रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट यू टोल्ड द कोर्ट्स यू टोल्ड द अथॉरिटी दैट माई नेम इज़ रमनदीप सिंह वाइल यू आर नॉट सो अंडर सेक्शन एट्टी टू यू कैन गेट अ इंप्रिजनमेंट ऑफ सेवन ईयर्स सात साल की जेल हो सकती है अलॉन्ग विद इफ यू मेक सच डलेशन देन यू कैन बी इंप्रेजन फॉर सेवन ईयर्स ठीक है फॉर फॉल्सली पर्सननेटिंग अनदर परसन एंड प्रजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ओके इट स्टेट्स हुदर परसन सेवन ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट विदिन कैन बी देअर इतना हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट विद इन हाउ मनी मंथ द डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है एज पर लॉ जिसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है उसको कितने मंथ में आप रजिस्टर करवाओगे ही करवाओगे जरूरी है तो विद इन फोर मंथस विद इन फोर मंथ्स आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है जब वो फोर्स में आया विद इन फोर मंथ्स जिस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन जरूरी है आपको चार महीने में करवाना है इफ अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इफ अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया एंड इट मस्ट बी प्रजेंटेड फॉर रजिस्ट्री उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी है अगर इंडिया में उसको रेगुलेट करना है उसको इन्फोर्स कराना है उस डॉक्यूमेंट को within फोर मंथ्स ऑफ देयर अराइवल उस डॉक्यूमेंट को उस पर्सन ने जब भी इंडिया में अराइव किया उसके चार महीने के अंदर अंदर यू हैव टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स ओके एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट बहुत ही मिनिमम uh, पूरा स्टाम्प एक्ट करने की जरूरत नहीं है थोड़े से टॉपिक्स हैं जो कवर करने जरूरी हैं वो हमने कोर्स में ऑलरेडी कर दिए हैं यू कैन चेक देयर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट विद इन हाउ मेनी मंथ्स द इंस्ट्रूमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया में भी स्टैम्प्ड जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं उनको कितनी देर के अंदर अंदर स्टैम्पिंग करनी जरूरी है विद इन थ्री मंथ्स जब इंडिया में आते हैं रजिस्ट्रेशन का फोर मंथ था स्टैंप ड्यूटी के अंदर थ्री मंथ के अंदर आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अब मॉर्गेज इज़ ये लिमिटेशन एक्ट आ गया स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ मॉर्गेज इज क्रिएटेड ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इट इज़ इनफोर्सिबल अगर आप फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 तक क्लेम नहीं करते पेमेंट्स आप नोटिस नहीं भेजते आप क्लेम नहीं करते आप केस फाइल नहीं करते आप कोई भी एक्शन नहीं लेते देन आपका राइट right खत्म हो जाता है उस अपने पैसे वापस लेने के लिए आपके राइट्स आपने गिवअप कर दिए ठीक है सो विद इन ट्वेल्व ईयर्स आपको जो है uh, आपको एक्शन लेना पड़ेगा ठीक है उसके बाद uh, आप आपके राइट right खत्म हो जाते हैं अंडर आर्टिकल वन थर्टी टू ऑफ लिमिटेशन एक्ट सो ये आप जरूर पढ़ें लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ टेक द स्क्रीन शॉट आप इसको देखें डिमांड प्रोमिजरी नोट थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इतना लिमिटेशन है इसके बाद राइट्स खत्म हो जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट फिक्सड टाइम आफ्टर द डेट थ्री ईयर्स इसका भी टर्म लोन अग्रीमेंट विद रीपेमेंट शेड्यूल थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट वेन डिफॉल्ट अकर्स

जिसने गारंटी दी है आई मीन यू हैव टू फाइल द क्लेम द बैंक हैज टू फाइल द क्लेम विद इन थ्री ईयर्स ओके राइट ऑफ फोर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसको फोर क्लोज करना उसकी ऑक्शन करना विद इन थर्टी ईयर्स यू हैव टू डू दैट उसके बाद आपके राइट खत्म है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ट्वेल्व ईयर रिकवरी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड थ्री इयर्स फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड यू हैव टू टेक एक्शन उसके बाद देर इज अ लिमिटेशन यू गॉन Appeal to file in high court against judgment of lower court 90 days from the date of decree. <coughs> Appeal to file in other court against judgment of lower court 30 days from the date of decree. Money paid by oversight in excess in saving bank account CD or account uh, bank. Nekuch excess may money pay kar kisi account mein. 3 years uh, from the date of discovery. आपको एक्शन लेना पड़ेगा इफ इट इज़ लेस देन थ्री इयर्स यू कैन टेक द एक्शन अगर तीन साल से ज्यादा के बाद आप डिस्कवर कर रहे हो गलती से किसी के अकाउंट में पैसा ज़्यादा चल गया यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन सो प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट एंड रिमेंबर दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पिछले साल आया था ट्वेल्व ईयर्स वाला मॉर्गेज वाला सिमिलरली टर्म लोन बिल ऑफ एक्सचेंज थ्री ईयर्स लेटर ऑफ गारंटी थ्री ईयर्स ठीक है इसके बाद जो है क्लेम नहीं कर सकते आफ्टर दैट मेनी ईयर्स यू कैनॉट फाइल द क्लेम्स राइट टू फाइल द क्लेम Uh, this is the limitation period. Otherwise, I mean, you falsely, I mean, uh, by mistake, you made a payment in another account, some random person's account. After five years, you come, after ten years, you come and file the claim. It is very difficult for the courts uh, to have so many cases. So please remember that. A demand promissory note is executed on 1st of uh, January, 2023. 2013 so demand promissory note 3 years so please remember that so 2013 14 15 is gone uh, till first of january 2016 you can file the claim okay a security documents security documents are obtained uh, in bank loan for the purpose so what is the purpose of security document in a bank keeping the record of all the transaction creating uh, for creation of evidence of having given a loan under evidence act so this is a clear definition पर्पस क्या है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने का पर्पस क्या है सो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी देयर इन इन द बैंक स्टेटमेंट यू आर पेंग यू आर रिसीविंग मनी आई मीन बैंक स्टेटमेंट इज देयर इट इज इट इज इट इज गुड इनफ एज एज अविडेंस राइट बट फॉर क्रिएशन ऑफ एविडेंस ऑफ हैविंग गिवन अ लोन अंडर द एविडेंस एक्ट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड अनलिमिटेड दिस इज अ रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पेपर रिसेंट पेपर्स प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है तभी कोई गारंटी पेपर साइन कर सकते हैं वेन आई मीन इट्स नॉट दैटी आगे कुछ भी साइन कर जाए इट्स नॉट लाइक दैट देर इज अरे पास बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्प देर इज अरे पास बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पज the legal hires of the deceased borrowers would be liable only up to the legal hires for example the father has uh, a father has a property of let's say five crore rupees right he has assets worth five crores, and he had a loan worth uh, ten crores, right? So the bank cannot claim ten crores. So bank uh, can only claim up to the value of the assets inherited, right? That's all. The legal hires of the deceased borrowers would be liable only up to the value of assets inherited under the section 17 of Indian Registration Act 1908. Which of the following documents are required to be compulsorily registered? concert document. करवाने ही करवाने हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और एनी टर्म एक्सीडिंग वन ईयर कोई गिफ्ट करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई लैंड वगैरह का लीज है नॉन टेस्टामेंट्री एनी नॉन टेस्टामेंट्री मीन्स अगेंस्ट अ विल नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी राइट इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वन हंड्रेड रुपीज एंड अपवर्ड्स इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो विल में नहीं है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक विल नहीं है और एक राइट क्रिएट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी लैंड में किसी का राइट क्रिएट करता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है रजिस्टर करवाना ज़रूरी है विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स सो दैट्स आई गेस ऑल स्टूडेंट्स पी एन बी क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की क्लासेज हमने स्टार्ट कर दी हैं दिस डॉक्यूमेंटेशन वाला थर्टी फाइव मिनट का सेशन इज पार्ट ऑफ द कॉर्स प्लीज कंप्लीट इट टूडे वी हैव डन दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इसको गो थ्रू करें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार रिपीट हो रहा है ये So, students, uh, list of our successful students who took our courses in the past and cracked their respective exams, especially the PNBSO Credit Officer. All these students that took our course in uh, 2020 and they cracked their exam in 2021. I'm really happy for all of them. If there is any doubt in your mind, always ask your doubts, and we are here to answer your doubts. That's our job, right? So, uh, my WhatsApp number is always there: uh, 9067201000. This is my WhatsApp number. My name is Raman. Uh, in case of any doubt ask your doubts otherwise the link to join the course is available in the description and that's all for today students like the video subscribe the channel and thank you and have a nice day bye bye